हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज यहाँ से इंट्रो क्यों स्विच कर रहा हूँ, क्योंकि हनुमान जयंती है तो बाहर पे भंडारा लगा है। हमारे यहाँ मंदिर के मंदिर है तो गाड़ी लेकर नहीं जा सकता और उधर ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिलता, मतलब चलते चलते वो अंधेरा होता है ना तो ज़्यादा मज़ा नहीं होता। तो आज हमारा नेक्स्ट डे, आज कुछ लिमिट्स करेंगे, आज कुछ थोड़ा चेंजेस होंगे, उधर जाके बात करेंगे। लेट्स गो। हार्डेस्ट टास्क हो गया यहाँ का, ये पहनना। लेट्स गो फॉर आज मीट में स्कॉट नहीं मारेंगे, आज सी से स्कॉट करेंगे। लेट्स गो। ओके, तो वीडियोस में देख के सी से स्कॉट पहली बार कर रहा हूँ, बिल्कुल जज मत करना, आई ट्राई माय बेस्ट। तो सीसी स्कॉट के दो सेट मारने की वजह से वी गो ओनली टू सेट्स ऑफ लेग प्रेस। इसको 135 केजी वर्किंग सेट। ओके, लेग प्रेस में पहले सेट में 12 लिया, सेकंड सेट में पुश किया क्योंकि दूसरा लूडो ही सेट करने वाला था, तो उसमें 14 किया। ऑल आउट फेलियर तक नहीं गया, वाई नॉट, बट लेट्स गो फॉर हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। नेक्स्ट टाइम 65 केजी से 12-10-8 मिले थे, जिसमें मिल पुश 12। लेट्स गो। परफेक्ट जगह पर पोजीशन में आई डोंट नो, इसकी वजह से कास्ट पे थोड़ा बहुत आ रहा है। ट्रेन मेरे हैमस्ट्रिंग गिव अप नहीं कर रहा है, मेरे काफ्स गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि खींचते के समय ना काफ पे थोड़ा लोड आता है, तो 12 रेप से पहले मेरे काफ्स में क्रैम्प जैसा फील हो जाता है, तो मेरे को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि क्रैम्प ना आ जाएगा तो मेरा 10-15 मिनट बिगड़ जाएगा। मेरे हैमस्ट्रिंग गिव अप नहीं कर रहा है, सो अभी वो भी एक प्रोसेस है। जो लास्ट सेट है, सेकंड सेट नहीं किया रिकॉर्ड, सेकंड सेट में 11.5 हाफ तक मिला था, इसमें पुश करेंगे 12 तक, ट्राई करूँगा कितने मिलते हैं दिखते।
पहला सेट का एंगल थोड़ा खराब, दैट्स व्हाई बराबर तो रखूंगा नहीं। जैसे सेकंड सेट, पहले सेट में हमको 12 रेप्स मिले, मरमर के नहीं, आराम से मिला। तो विल ट्राई हार्डर दिस टाइम, लेट्स गो, कम ऑन कॉर्ड्स। Nice 12 reps. Okay, so we got 12 with 84 kg in quad extension. Next time graduate karenge. Last set bahut hard hitting gaya tha, pehle record nahi kiya. Let's go for calf raises. 60 kg laga hai. Smith machine ka bend to count nahi karte. Let's go. So, aisa angle choose kiya jisse kaise calf dikhe. Dekhte hai kaise dikhta. ओके, तो काफ्स में भी विल गो 12 इन 60 केजेस। नेक्स्ट हम भेजूंगे ना 65 पे ही जाएंगे, ज़्यादा मतलब ओवर पुश नहीं करना काफ्स को, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। अभी एप्स तो मैं दिखाता नहीं हूँ, एप्स करने जा रहा हूँ फटाफट ख़त्म करके। तो आज का वर्कआउट बहुत सही गया, बट सीसी स्क्वाट्स आई थिंक फर्स्ट टाइम कर रहा था तो थोड़ा माइंड मसल कम था, और आई थिंक फॉर्म पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग हमारे नेक्स्ट टाइम से पुराने वर्कआउट से ही चालू रखेंगे, एक स्मिथ मशीन पर स्क्वाट्स और 3 लेग प्रेस। ओके, यही तो सीसी स्क्वाट पे देखता हूँ कैसा होता है। तो देखो वॉक के टाइम पे मिलते हैं, लेट्स गो। ओके, तो 18,000 स्टेप्स कंप्लीटेड, आज का गोल कंप्लीट हुआ। बस मिल रहा है, कीप काम, टॉक लेस, डू मोर, बाय बाय।